जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नुपायल लैब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपने लोअर बेली फैट को कम करना है। 3 से 4 एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, बिगिनर भी कर सकते हैं और एडवांस भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करेंगे हम फ्लटर किक। सिर आपका जमीन पे लगा रहेगा और बोर्ड आप साइड में, सिंपली आपको लिफ्ट करनी है टांगों को और ब्रीद आउट का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ब्रीद आउट होता रहेगा साथ साथ में। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, इससे आपके धीरे धीरे आपके अंदर कैपेसिटी आती जाएगी और आप सिंपली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इसको एज पर योर कैपेसिटी बिगनर टू एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम सीजर्स। बॉडी पोजीशन सेम, हेड डाउन, लिफ्ट योर लेग, क्रिस क्रॉस। तो आपका हमेशा खींचा रहेगा, हिप ज्वाइंट से लेकर टो तक आपकी पूरा लेग क्या है, स्ट्रेट रहेगी। इसको कभी फोल्ड नहीं करना है, ऐसी कोशिश करना है इसको स्ट्रेट रखने की, ताकि आपके लोअर बेली के ऊपर पूरा जोर आए, फोकस रहेगा उस पर। ब्रीद आउट अगर करते हो तो पूरा फोकस बेली के ऊपर रहेगा आपका। नेक्स्ट करेंगे हम सेम पोजिशन। इफ यू आर बिगिनर, कीप योर लेग्स डाउन डाउन डाउन, ब्रीद आउट डाउन। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, इसको एडवांस करनी है आपको, इस एक्सरसाइज को कि पोस्चर को समझना है, ब्रीद आउट प्रोसीजर को समझना है। और नेक्स्ट, और आज की ये लास्ट एक्सरसाइज हमें ट्राई करना है। बॉडी पोस्चर सेम, हेड डाउन ऑन द ग्राउंड और लिफ्ट करना है अपनी लेग्स को पूरा, कितनी देर तक आप लिफ्ट कर सकते हो और साथ साथ में ब्रीद आउट कर सकते हो। ऐसे ये पूरी आपकी लोअर बेली है जो एंगेज रहेगी और ब्रीद आउट करते रहें और इसके ऊपर इसमें स्ट्रेंथ आती रहेगी, उसका फैट बर्न होगा। तो आपको ये 4 एक्सरसाइज ट्राई करनी है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक बार स्टार्ट करने की देर है, स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा लेकिन 3-4 दिन के बाद आप ट्यून अप हो जाओगे और इसको अच्छे से कर पाओगे। तो इन एक्सरसाइज को ट्राई करो एक बार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।